सो हे व्हाट्सअप पीपल, एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोगों ने काफ़ी कुछ APIs वगैरह क्रिएट करी थी, जिसमें लाइक क्वेश्चंस की API आपको मिल जाएगी एंड फॉर्म की API मिल जाएगी, जहाँ से आप पूरे पूरे फॉर्म को एग्जैक्टली मतलब ले करके आ सकते हो एंड UI में जा करके प्रिंट आउट कर सकते हो. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस जो भी रिस्पॉन्स होने वाला है, इस रिस्पॉन्स को हम लोग डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं. सो जस्ट लाइक लेट्स से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइक यू कैन से ये पूरा फॉर्म जा रहा है ना, कोड ये है, टाइटल है, देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर है एंड उसके बाद में मल्टीपल क्वेश्चन है एंड इन मल्टीपल क्वेश्चन लेट्स से जो कस्टमर है या फिर जो एक यूजर है वो व्हाट इज पाइथन का आंसर देने वाला है एंड यू कैन सेलेक्ट एक मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस, तो वो एक चॉइस सेलेक्ट करेगा इसमें से और थ्रेड है तो इसमें लॉन्ग आंसर में कुछ एंटर करेगा. तो उस चीज़ को हम लोग सेव कैसे करवा सकते हैं एंटायर द रिस्पॉन्स, मतलब जो भी रिस्पॉन्स यूजर एंटर करने वाला है सेलेक्ट वाइज या फिर टेक्स्ट वाइज, तो उस चीज़ को हम लोग अपने बैकएंड में कैसे स्टोर करवा सकते हैं उसकी हम लोग API लिखेंगे एंड उसकी मॉडलिंग भी लिखने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें मॉडल लिखना पड़ेगा बिकॉज मॉडल के बाद में ही हम लोग API पे काम कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पे आपको अब सिंपल द फंडा ये पता चला होगा फॉर्म में क्या है ये सारी चीज़ें हैं. नाउ सेम वही चीज़ हमें रिस्पॉन्स के साथ में करनी है. तो रिस्पॉन्स सो क्लास आएगा क्या रिस्पॉन्स का एंड उसके बाद में इसमें हम लोग बेस मॉडल डाल देंगे. ठीक है, सो रिस्पॉन्स आ गया. अब जो रिस्पॉन्स होगा वो किस फॉर्म का है, तो हमें यहाँ पे फॉर्म की फॉरेन की स्टोर करनी पड़ेगी. सो फॉर्म इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड कर देंगे, क्योंकि भाई अगर कोई फॉर्म ही डिलीट कर दे तो कोई मतलब ही नहीं है उसका. एंड रिलेटेड नेम आप चाहो तो डाल सकते हो कि फॉर्म्स. ठीक है, तो ये हमारे पास में ये आ गया. एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हमें फॉर्म की वो भी डालनी पड़ेगी. ठीक है, उसके बाद में आपने यहाँ पे डाला कि आप कौन से उसका है, मतलब किस रिस्पॉन्स का, किस फॉर्म का रिस्पॉन्स है. उसके बाद में अगर आप रेस्पॉन्डर की ईमेल आईडी स्टोर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो. रेस्पॉन्डर ईमेल दैट विल बी अ पार्शियल फील्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो फॉर्म के ऊपर. नल इक्वल टू ट्रू एंड ब्लैंक इक्वल टू ट्रू. आफ्टर दैट हर रिस्पॉन्स का कुछ कुछ आंसर होने वाले हैं, मतलब जैसे किसी बंदे ने इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर दे दिया तो वो क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे आंसर्स की या फिर रेस्पॉन्स आंसर की. ओके, रेस्पॉन्स आंसर उसके बाद में बेस मॉडल डालेंगे एंड आफ्टर एंटरिंग दिस यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे आपका आंसर एक्चुअल में आया क्या. मॉडल्स डॉट कैर फील्ड में मैक्स लेंथ ऑफ 100 के, मान ले आपने क्या एग्जैक्टली आंसर भरा है. उसके बाद में आपने जो आंसर दिया है वो कौन से क्वेश्चन को दिया है. सो आंसर टू इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है तो वो हमें क्वेश्चन भी यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा. सो क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड रिलेटेड नेम आंसर टू करके. ठीक है, तो हमारे पास में ये एंटायर द मॉडल है. ये सिंपल सा मॉडल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड सब चीज़ इसमें आ जाएंगी. मतलब रिस्पॉन्स है कि भाई आपने कौन से फॉर्म का रिस्पॉन्स दिया है, रिस्पॉन्डर ईमेल मतलब अगर आप उसका ईमेल चाहते हो तो हो गया, एंड साथ ही साथ में अगर आप रिस्पॉन्स का कोड जनरेट करवाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो. तो आफ्टर सेविंग हम यहाँ पे इसके कोड को भी जनरेट करवा लेंगे, रिस्पॉन्स कोड. ओके, एंड सेल्फ डॉट कोड सुपर डॉट रिस्पॉन्स हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में इसके आंसर्स को स्टोर करना पड़ेगा. सो रिस्पॉन्सेस मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी फील्ड एंड मैनी टू मैनी फील्ड में रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया. तो यहाँ पे फंडा समझो एग्जैक्टली हम लोगों ने किया क्या है. पहली बात तो हमने कोई भी यूजर होगा वो किसी का भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, लाइक ये क्वेश्चन है उसका वो एक आंसर दे सकता है, दो आंसर दे सकता है, तीन आंसर दे सकता है. मतलब अगर चेकबॉक्स वाला क्वेश्चन होगा तो इसके मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे कि नहीं, डेफिनेटली आ जाएंगे. आंसर साथ ही साथ में अगर कोई लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है या कोई भी आंसर है तो वो सारे आंसर हम इसमें स्टोर करवा लेते हैं. ठीक है, एंड हर रिस्पॉन्स अगर देखो मल्टीपल होंगे, एक जैसे एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं तो हम जा करके मल्टीपल इसके अंदर मैनी टू मैनी डाल देंगे, और अगर किसी का एक है तो हम यहाँ पे एक डाल देंगे. तो रिस्पॉन्स और क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इंटरलिंक कर रहे हैं. ये थोड़ा जब सोचोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली हम लोग मॉडलिंग करें, या फिर आप जब
बना करके देखोगे डेटाबेस, तब भी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा मॉडल है बट वेरी पावरफुल, मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक से चीज़ें करने के बाद में हम बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सोचोगे इन डेप्थ में तो थोड़ा समझ में आएगा। तो रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्सेज हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट करेंगे। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, ओके, एंड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक API लिखना पड़ेगा जिसमें हम लोग मतलब रेस्पॉन्सेज को स्टोर करवा सकते हैं। सो एक API लिख लेते हैं, दैट विल बी अ पोस्ट API एंड इसका नाम क्या होगा, स्टोर रेस्पॉन्सेस करके, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग पोस्ट API लिखने वाले हैं एंड इस पोस्ट API के अंदर हमारे पास में डेटा आएगा। इसको बता देते हैं डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा और PK हम यहाँ पे भेज नहीं रहे हैं। और यहाँ पे डेटा में हम लोग ब्लैंक भेजेंगे कि भाई आपका रिस्पॉन्स आ गया, बस इतना ही हमको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। योर रिस्पॉन्स हैज बीन कैप्चर्ड करके, योर रिस्पॉन्स हैज बीन कैप्चर्ड करेंगे। ओके, सो ये हमारा एग्जैक्टली हो गया। अब हमें यहाँ पे सारा अपना जो लॉजिक है उस लॉजिक को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको एक एडवांस पाइथन डेवलपर बनना है या फिर बिकम 2% ऑफ द जांगो डेवलपर बनना है। फॉर देम हैव लॉन्च लाइक 3 courses दैट यू कैन चेक इट आउट। ये जो कोर्स है इसमें हम आपको काफका, ज़ूकीपर और काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। इसमें आपको 2 project करवा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, दिखाते हैं कि आपको रियल टाइम में उनका डिलीवरी बॉय कहाँ पहुँचा, ड्राइवर कहाँ पहुँचा, तो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं एंड स्केलेबल सिस्टम कैसे बनाते हैं, उस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे 2 project डाले हुए हैं जो कि एडवांस लेवल के हैं, जिनको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में ये जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के 5 बड़े बड़े project करवा रहा हूँ। उसके बाद में ये चेकआउट करो, ये वाला कोर्स जो है वो सबसे अमेजिंग कोर्स है। इस कोर्स के अंदर हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ जांगो सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ में कई सारी जो चीज़ें होती हैं जो कि एक प्रो जांगो डेवलपर को आनी चाहिए वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, इलास्टिक सर्च सिखा रहे हैं, सैलरी सिखा रहे हैं, रैबिट MQ सिखा रहे हैं, काफ्का भी सिखा रहे हैं, डॉकराइजिंग कैसे करते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपके करवा रहे हैं, साथ ही साथ में जांगो चैनल्स, लोड टेस्टिंग, प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बनवा रहे हैं एंड जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के भी कई सारे वीडियोज डाल रहे हैं। साथ ही साथ में आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी सिखा रहे हैं जो कि एक पाइथन डेवलपर को आनी चाहिए, बिकॉज 2025 में पाइथन गिटहब के आओगे तो इट्स वन ऑफ द वेरी एडवांस लैंग्वेज एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हो तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। एंड ये जो कोर्स है ये आपको लाइफ टाइम डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ में मिलता है एंड आप कभी भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ये 1-time purchase है, मतलब एक बार आपने कोर्स परचेज किया ये हमेशा आपके साथ में रहेगा एंड हर हफ्ते हम लोग की लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होता है जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो एंड 30% या 20% का डिस्काउंट कोड मिल जाएगा जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आपके पास में फॉर्म ID नहीं आ रही है, मतलब यह फॉर्म का कोड नहीं आ रहा है, तो फिर भाई इसको गलत है, मतलब ये फॉर्म का कोड हमें चाहिए होगा, ठीक है। उसमें तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे कि आपके पास में ये एटलीस्ट रिस्पॉन्स होना ही चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पे सिंपल सा लगा लेते हैं, इफ डेटा डॉट गेट फॉर्म कोड इज नन, ओके, और डेटा डॉट गेट रेस्पॉन्सेस इज नन, देन वॉट वी हैव टू डू रिटर्न करवा देंगे एक एरर कि भाई ये दोनों की हमें चाहिए ही चाहिए और स्टेटस में आ जाएगा क्या, फॉल्स एंड फॉर्म कोड एंड रिस्पॉन्सेस बोथ आर रिक्वायर्ड कर दूंगा। अब हमारा ये चीज रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए ही चाहिए, देन वॉट वी हैव टू डू इज अब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सेस को लेकर के आना है। तो पहली बात ये समझो कि रिस्पॉन्सेज का जो डेटा होने वाला है या फिर जो भी हमारा पेलोड होने वाला है कुछ इस तरीके का होने वाला है। लाइक बॉडी में जाओगे, यहाँ पे चले जाओगे, पहली बात तो ये आपका फॉर्म हो गया, फॉर्म कोड हो गया, ठीक है। जो भी आप फॉर्म कोड यहाँ पे पास करने वाले हो, मान लेते ये वाला फॉर्म कोड है, तो आप ये भेजोगे, उसके बाद में यहाँ पे एक रिस्पॉन्सेज भेजोगे,
ठीक है, रिस्पॉन्सेज एक लिस्ट होगा एंड लिस्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी। पहली बात तो यहाँ पे आप पास करोगे क्वेश्चन आईडी कि आप कौन से क्वेश्चन आईडी को आंसर दे रहे हो, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल 12 वाले को दे रहे हो। उसके बाद में इसका आंसर जो है वो आपका इस तरीके का होने वाला है। एंड इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें भेज सकते हो, जस्ट लाइक मान लेते कि एक कोई लॉन्ग आंसर है तो वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यू कैन से व्हाट वी कैन डू इज क्वेश्चन आंसर है तो मान लेते हैं दिस इज अ आंसर करके, ठीक है। एंड अगर कोई वैसा क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड एज ये वाला, सो क्वेश्चन आईडी मान लेते हैं 13, तो ये आंसर जो है इसके अंदर मान लेते हैं चेकबॉक्स है उसका वाला है, तो यहाँ पे मल्टीपल 1, 2, 4 डाल सकते हैं जो भी आंसर्स आ रहे होंगे, क्योंकि आंसर के पास में हमारे पास में आईडी है ना, तो वो आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो अगर देखो ये हमें रिस्पॉन्स जो है, ये जो लॉजिक है, वे हमें अपने आप बैकएंड में लिखना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से ही ये चीज़ें करने वाली। फॉर्म कोड हमने डाल दिया, रिस्पॉन्सेज हमने डाल दिया, क्वेश्चन आईडी डाल दिया, उसके बाद में आंसर हो गया, फिर क्वेश्चन आईडी हो गया एंड उसके बाद में ये आंसर्स हो गए 1, 2, 3 करके। अगर किसी में और ज़्यादा आंसर है या 2 चेकबॉक्स जितने चाहे उतने सेलेक्ट कर सकता है यार, अगर एक सेलेक्ट वाला होगा ये एंड ये जो वो है वो हमें वहाँ से करना पड़ेगा, फ्रंट एंड से ये सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर रेस्पॉन्सेज आ जाएगा, रेस्पॉन्सेज इज इक्वल टू व्हाट डेटा डॉट गेट रेस्पॉन्सेज, ठीक है। अब हमारे पास में रेस्पॉन्सेज आ गया है तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज रेस्पॉन्स ओबीजे इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट ऑब्जेक्ट्स, और एक चीज और है यहाँ पे, ये जो रेस्पॉन्स है ये इससे कोलाइड कर रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें इसको रेस्पॉन्सेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोलैप्स कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, रेस्पॉन्सेस करना पड़ेगा। सो रेस्पॉन्सेस डॉट ऑब्जेक्ट्स, रेस्पॉन्सेज इम्पोर्ट हो गया ना, हाँ हो गया, रेस्पॉन्सेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट कर दूंगा। एंड यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेंगी, लाइक कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, फॉर्म और रेस्पॉन्डर ईमेल, और ये हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्म। सो इनिशियली व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे एक फॉर्म ही क्रिएट करना है, इज इक्वल टू फॉर्म, और जो कि हमारे पास में फॉर्म का ऑब्जेक्ट आ रहा है, सो फॉर्म डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट क्या पास करेंगे यहाँ पे, कोड इज इक्वल टू फॉर्म कोड, ठीक है, कोड इज इक्वल टू फॉर्म कोड। तो ये फॉर्म कोड हमारे पास में आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें इटरेट करना है, सो फॉर रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्सेज, सो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्वेश्चन की आईडी मिलेगी, तो इस क्वेश्चन की आईडी से हमें वो क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट को लेकर के आना है, सो क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू व्हाट रेस्पॉन्स, क्वेश्चन आईडी आ जाएगा, ठीक, हमारे पास में ये क्वेश्चन का आईडी आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज इफ क्वेश्चन डॉट, अगर क्वेश्चन जो है वो आपका चेकबॉक्स है तो इसके ऊपर हमें मल्टीपल बार इटरेट करना है, अदरवाइज पहली बार ही इटरेट करना है। तो इफ क्वेश्चन टाइप है ना, इफ क्वेश्चन डॉट कैसे चेक करोगे, क्वेश्चन टाइप, इफ क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन टाइप इक्वल इक्वल टू व्हाट दिस चेकबॉक्स, अगर हमारी क्वेश्चन की टाइप जो है वो चेकबॉक्स है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज हमें क्वेश्चन को आंसर्स के ऊपर इटरेट करना है, फॉर आंसर इन रिस्पॉन्स ऑफ आंसर्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ए एन एस आंसर ओ बी जे इज इक्वल टू जो भी हम लोगों ने मॉडल बनाया दैट इज कॉल्ड एस क्या है, रिस्पॉन्स आंसर डॉट ऑब्जेक्ट्स इम्पोर्ट दिस, रिस्पॉन्स आंसर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, एंड इसके अंदर क्या क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा और आंसर टू, आप किसको आंसर कर रहे हो, सो आंसर आपका जो है वो आपका यहाँ से आ गया इज इक्वल टू आंसर,
और आंसर टू जो है आप किसको आंसर करो, दैट विल बी क्वेश्चन। एंड ये चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि भाई आप ये वाला जो लॉजिक है ये सबके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आंसर में हम तो फ्रंट एंड से चेक लगा सकते हैं कि मतलब ये जो है यहाँ पे एक आएगा तो हम एक को स्टोर करें, अगर मल्टीपल आएंगे तो मल्टीपल को हम स्टोर करें, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो सारे आंसर ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्रिएट होते चले जाएंगे एंड साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट ऐड करते जाएंगे। सो रिस्पॉन्स ओ बी जे डॉट रिस्पॉन्स डॉट ऐड रिस्पॉन्स ओ बी जे, मतलब हर बार रिस्पॉन्सेज को हम लोग स्टोर करते चले जा रहे हैं। आई होप ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देना है, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन आ गया, ये हो गया ठीक है। सो योर रिस्पॉन्स हैज बीन कैप्चर्ड आ गया, तो स्टोर कर लिया हमने रिस्पॉन्सेस को। सो नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। और हाँ एक बार माइग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज हमने वहाँ पे उसका नेम चेंज किया है, मेक माइग्रेशंस डॉट पी वाई माइग्रेट। ओके सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर दिस यूआरएल, ओके सो नाउ लेट्स एपीआई फॉर्म नॉट फॉर्म एपीआई डॉट स्टोर रिस्पॉन्सेस, एपीआई डॉट स्टोर रिस्पॉन्सेस ठीक है। एंड दिस इज अ पोस्ट वन, सो मेथड पोस्ट इज नॉट अलाउ, वहां पे हमें इनेबल करना पड़ेगा। ओके सॉरी, ओके सो हमें यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो फॉर्म कोड हमारे पास में सही सही आ गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ पाइथन जो है ये क्वेश्चन आईडी है क्या, वन, तो क्वेश्चन आईडी में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे वन, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन टाइप क्या है, मल्टीपल चॉइसेस है, सो मल्टीपल चॉइसेस का मतलब एक कोई चॉइस आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथन जो है वो फर्स्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आंसर में मैं डाल दूंगा क्या है यहाँ पे वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आईडी क्या है, क्वेश्चन आईडी है टू, व्हाट इज थ्रेड इन पाइथन, तो आंसर्स में डाल दूंगा मैं थ्रेड इन पाइथन सर्च करूंगा। सो ठीक है ये हो गया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज थर्ड दैट आईडी इज थ्री, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट, सो नाउ लेट्स कॉपी दिस, लेट्स डू क्वेश्चन आईडी इज व्हाट थर्ड, आंसर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी हमें यहाँ पे वैलिडेशन भी लगाना है कि आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला, सो चॉइसेस इज इक्वल टू व्हाट, यस इट्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आईडी विल बी 5, ओके हाउ मच योर स्केल, तो क्वेश्चन इज 4, क्वेश्चन आईडी इज 4 एंड आंसर इज लेट्स से 5 हम यहाँ पे मान मेंशन करते हैं। सो आंसर की आईडी है 11, एक चीज़ हम लोगों ने शायद यहाँ पे गलत करी है, ओके सही है। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, की एरर आ गई क्या, आंसर्स सो रिस्पॉन्स आंसर
आंसर ओबीजे यहाँ पे जाएगा। ओके नाउ लेट्स सबमिट इट अगेन, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन कैप्चर्ड, नाउ लेट्स रजिस्टर आवर रिमेनिंग मॉडल दैट वी हैवन रजिस्टर विच इज लाइक रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स आंसर। ओके नाउ लेट्स गो एंड एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। ओके सो नाउ ये हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कैप्चर हो गया। नाउ लेट्स गो इन द एडमिन पैनल एंड लेट्स सी, एंड उसके बाद में हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग इन जो भी रिस्पॉन्सेज आपने सबमिट किए हैं फॉर्म में वो आप देख सकते हो। सो रिस्पॉन्स आंसर में आप देख सकते हो। और हाँ एक चीज़ और है, आप यहाँ पे एटॉमिक लगा सकते हो कि मतलब अगर कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ तो आप लगा नहीं सकते हो। सो यहाँ पे इट्स बेटर टू इम्पोर्ट दैट ट्रांजैक्शंस। ठीक है सो नाउ लेट्स गो नॉट हेयर, लेट्स गो हेयर and let's do what from django.db let's import transactions। okay and उसके बाद में हम यहाँ पे लगा सकते हैं with transaction और atomic, मतलब सारा data ही एक बार में create होगा otherwise नहीं होगा। so with ये सारी चीज़ें आपको उस कोर्स के अंदर पढ़ाई हुई हैं वो तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, लिटरली अमेजिंग कोर्स है। अगर मज़ा नहीं आएगी तो फिर भाई वो है, मतलब जिन लोगों ने अभी कोर्स परचेज़ किया है तो बहुत प्रॉफिट में है वो, बिकॉज लाइक उनको 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिला है, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, विल बी समथिंग वेंट रॉन्ग। उसके बाद में यहाँ पे मॉडल में हम लोग आंसर रिटर्न करवा देते हैं, मेंशन हियर लेट्स रीलोड। तो आप देख सकते हो कि जो भी आंसर आपने भेजा था वो आ गया, सेल्फ डॉट आंसर। एक चीज शायद यहाँ पे गलत हो गई है, मॉडल्स व्यूज में आओगे। सो ओके सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर डूइंग। सो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे समझो क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो भी हमें आंसर आ रही है वो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह आ रही है कि जब भी आपका लाइक 1-2-3-4 आप डालो तो ये 1-2-3-4 स्टोर हो रहा है, आंसर का एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि जैसे ही मान लेते हैं कि अगर जो क्वेश्चन है अगर ये क्वेश्चन का टाइप आपका लॉन्ग या शॉर्ट है तो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे इसके आंसर का टेक्स्ट स्टोर करना है इसके अंदर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो हमें इसके आंसर का जो भी आपका एग्जैक्टली यू कैन से इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आपने पुल किया है वो हमें इससे रिलेटेड निकालना पड़ेगा, चॉइस उस चीज़ को निकाल करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा, if question dot question type in question type in, अगर आपका question type जो है वो आपका इन में से कोई है तो like short answer and long answer में से कोई है तो हमें logic change करना पड़ेगा यहाँ पे। okay then what we have to do is तो हमें directly इसको स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे उसका चॉइस लेकर के आना पड़ेगा। सो चॉइस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, चॉइसेस। सो चॉइसेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू आंसर। ठीक है
और बाकी तो सिंपल सा फंडा है ही। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स डिलीट, लाइक इन लोग का कोई मतलब नहीं है तो भाई इन लोग को रिस्पॉन्सेज को हम लोग डिलीट कर देते हैं। सो ऑल द रिस्पॉन्सेज आर डिलीटेड, और रिस्पॉन्सेज आंसर्स की बात करें तो इनको भी चिल करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सबमिट, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन कैप्चर्ड, नाउ लेट्स रीलोड। तो अब ये देखो सही आ रहा है, ओके। नाउ लेट्स गो इन द रिस्पॉन्सेज, तो आपने ये रिस्पॉन्सेज एंटर किया था, लाइक आपने आपका जो कोड जनरेट हुआ ये पाइथन क्विज का ये था। ईमेल हम लोग भेज नहीं रहे हैं, अगर आप रिस्पॉन्डर ईमेल भेजोगे तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप चाहो तो सेव करवा सकते हो। उसके बाद में आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द थ्रेड क्लास रिप्रेजेंट जो भी है वो आपका यहाँ पे आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे इसके रिस्पॉन्सेज को रिटर्न करना है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट अ क्लास जिसमें हम लोग जितने भी बंदों ने जिस भी बंदे ने इस फॉर्म को सबमिट किया होगा सब सबका ही मेरे को क्या करना है आउटपुट इसके अंदर एक रिस्पॉन्सेज के अंदर स्टोर करना है। मतलब आप यहाँ पे क्विज की क्वेश्चन डालोगे, जैसे फॉर्म सीरियलाइजर है तो फॉर्म सीरियलाइजर में अगर आप इसको गेट करते हो, जैसे यहाँ पे जाओगे तो इसमें मैंने गेट किया, ठीक है, तो मेरे पास में ये आ गया। तो सेम इसी तरीके से मेरे पास में एक रिस्पॉन्स अगर इसके अंदर मैं फॉर्म डालूंगा तो ये मेरे को रिस्पॉन्स रिटर्न करके दे देगा। तो इसको करते हैं फॉर्म रिस्पॉन्सेज एपीआई, फॉर्म डाला, फॉर्म के बाद में मुझको यहाँ पे जाप का रिस्पॉन्स मुझको यहाँ पे रिटर्न करना है। तो उसको हम कैसे रिटर्न करवाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो इन द मॉडल एंड यहाँ पे हम लोग सीरियलाइजर यूज़ करेंगे, लाइक आपका रिस्पॉन्सेज है फिर आपके आंसर्स हैं तो उनको हम लोग यूज़ करेंगे। सो रिस्पॉन्सेज लेट्स क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सीरियलाइजर। सो सबसे पहले मॉडल्स को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, चॉइसेस एंड उसके बाद में कौन सा मॉडल है, रिस्पॉन्स आंसर करके है, उसको इम्पोर्ट कर लिया। सो नाउ रिस्पॉन्सेस क्लास रिस्पॉन्सेस सीरियलाइजर सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मॉडल सीरियलाइजर। देन व्हाट वी हैव टू डू इज हमें सबसे पहले यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन और मेटाडेटा लिखना पड़ेगा एंड रिप्रेजेंटेशन वाली लेयर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो रिस्पॉन्सेज क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, इन सभी कोई जरूरत नहीं है, सबको भेज देंगे, ठीक है। सो आ गया हमारे पास में डेटा इज इक्वल टू क्या, या पूरा ही रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से, खुद का ही पूरा कस्टम भेजते हैं यहाँ पे। तो कोड हम भेज देंगे, फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास में है, रिस्पॉन्डर ईमेल हो गया और रिस्पॉन्सेज हो गए, तो इन तीनों चीज़ों को मुझको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। सो डेटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ कोड इंस्टेंस डॉट दिस, रिस्पॉन्सेज पे हमें इटरेट करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सेज के लिए हम लोग ये क्रिएट भी कर लेते हैं, रिस्पॉन्सेज के लिए भी एक सीरियलाइजर क्रिएट कर लेते हैं। सो क्लास रिस्पॉन्सेज आंसर सीरियलाइजर सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर एंड क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू ठीक है एंड नाउ डेफ टू रिप्रेजेंटेशन। अगर ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करना है कि लाइक टू रिप्रेजेंटेशन और टू इंटरनल बहुत सारे, लाइक आप सीरियलाइजर को एक इस लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हो जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर बताई गई हैं, तो आप जा करके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, ओके। बिकम 2% ऑफ द जांगो डेवलपर एंड दिस इज द कोर्स जो ऑपरेटिव, बहुत अमेजिंग कोर्स है। सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स डू डेटा इज इक्वल टू वॉट, पहली बात तो ये हमें आंसर भेजना पड़ेगा, क्वेश्चन भेजना पड़ेगा, दोनों आंसर और आंसर टू। तो डेटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड क्वेश्चन टू में कुछ इस तरीके का आएगा, क्वेश्चन भेज दोगे कौन से क्वेश्चन का आंसर है, तो आंसर टू डॉट क्वेश्चन करूंगा, तो क्वेश्चन टू डॉट क्वेश्चन
ये आ गया। उसके बाद में आपको जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जैसे रिक्वायर्ड हो गया तो यहाँ से रिक्वायर्ड भेज दिया आपने, जो भी आपको भेजना है तो आप भेज सकते हो, क्वेश्चन टाइप भेज दिया, क्वेश्चन भेज दिया और ये आपका आंसर आ गया। तो आप रिटर्न करवा सकते हो यहाँ पे डेटा, ठीक। और साथ ही साथ में यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सेस होंगे हमारे पास में, सो रिस्पॉन्सेस इज इक्वल टू, सॉरी रिस्पॉन्स आंसर सीरियलाइजर, इस वाले सीरियलाइजर को हम लोग यूज़ कर लेंगे एंड इसके अंदर हमें जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको पास कर देंगे। सो इंस्टेंस डॉट ओके रिस्पॉन्सेस डॉट ऑल करूँगा तो मेरे पास में सारा आ जाएगा एंड यहाँ पे लिख दूँगा कि मैनी इक्वल टू ट्रू और इसी डेटा को हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे डेटा। ओके सो यहाँ पे फंडामेंटली हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे हमारे पास में क्लास आ गया रिस्पॉन्स सीरियलाइजर आ गया, उसके बाद में क्लास मेटा मॉडल रिस्पॉन्सेस हमने भेज दिया, टू रिप्रेजेंटेशन लगा दिया यहाँ पे डेटा कोड रिस्पॉन्डर ईमेल और रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस हमारी जो है वो मैनी टू मैनी की फील्ड है, तो रिस्पॉन्सेज मैनी टू मैनी फील्ड को मैंने यहाँ पे पास किया, मैनी पास कर दिया और अलग से एक कस्टम सीरियलाइजर लिख दिया दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स आंसर सीरियलाइजर एंड उसमें मैंने ये डेटा को भेज दिया। अब मैं जब इसको सेंड करूँगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अगर आपको ये बहुत टफ लग रहा है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को जाकर के चेकआउट कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें मैंने इन डेप्थ एंड हर चीज़ को बताया हुआ है। नाउ लेट्स गो इन दिस फॉर्म रिस्पॉन्स, हमारे पास में फॉर्म का ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर्म आ गया, फॉर्म का रिस्पॉन्स और फॉर्म का भी कुछ आप चाहो तो डिटेल भेज सकते हो, लाइक फॉर्म का क्या एग्जैक्टली ये है वो है डिटेल आप चाहो तो भेज सकते हो, जो कि हम लोगों ने नहीं भेजी है जो कि हमें भेजनी चाहिए। सो फॉर्म इज इक्वल टू, फॉर्म में हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं, लाइक हमारे पास में कोड हो गया, टाइटल हो गया, बस ये है कोड टाइटल, दैट इज इनफ। instance dot form dot this okay and responses serializer इसको import कर लेते हैं। after that responses serializer क्या form responses dot object dot filter form underscore code is equal to this query set is equal to this many equal to true and responses form responses को चल करके अपने URLs में mention करवा लेंगे। slash responses ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। Now let's go and let's test this API. So ये API है and इसके अंदर form के साथ में हमें यहाँ पे बस खाली response भेजना पड़ेगा। Type error आ गया है serializer not this. लिस्ट सीरियलाइजर इज नॉट जेसन, सॉरी यहाँ पे हमें डेटा करना पड़ेगा डॉट डेटा, इफ आई गो एंड गेट द डेटा तो ये आपके पास में पूरा पूरा डेटा आ गया। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझ में आएगा। तो देखो किसी ने क्या किया हुआ है, एक ये रिस्पॉन्स आया एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स की आईडी भी भेज सकते हो, आईडी इज इक्वल टू रिस्पॉन्स या फिर सॉरी इंस्टेंस डॉट आईडी करोगे तो ये आ जाएगा, गेट करेंगे तो कोई आइडिया आ गई, ये रिस्पॉन्स कोड आपका जनरेट हुआ, रिस्पॉन्डर ईमेल हमने भेजा नहीं, फॉर्म कौन से फॉर्म का आंसर दिया, पाइथन को इसका आपने आंसर किया जिसका कोड ये है, उसके बाद में ये रिस्पॉन्सेज हैं आपके। पहले बच्चे ने या लाइक ये सबमिट किया है दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सेज, सो ये रिस्पॉन्सेज जो हैं ये इस तरीके के आ रहे हैं, लाइक रिस्पॉन्सेज ये है
जो कि इसको इस तरीके के नहीं आने चाहिए, बिकॉज होगा क्या कि यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आएंगे ना, क्योंकि एक रिस्पॉन्स है तो भाई इसके अंदर एक, ये तो एक रिस्पॉन्स के आंसर्स पड़े हुए हैं हमारे पास में, सो दैट इज़ नॉट गुड। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे करना क्या होगा, फॉर्म के ऑब्जेक्ट से सारे रिस्पॉन्सेज को फेच करके लाना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें यहाँ पे फॉर्म के ऑब्जेक्ट से सारे रिस्पॉन्सेज को लेकर के आना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम जो फंडा है यहाँ का, पहले तो पूरा पूरा फॉर्म का ऑब्जेक्ट लेकर के आए, उसके बाद में हमने फॉर्म के अंदर का एक और सीरियलाइजर लिख लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज यहाँ पे, सो इस तरीके से क्लास फॉर्म रिस्पॉन्स सीरियलाइजर, सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर, एंड इन सबको पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हमें करना क्या है, यू कैन से डेफ टू रिप्रेजेंटेशनल एंड रिस्पॉन्स की जगह पे यहाँ पे इसको आंसर्स आ जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज अब सारे रिस्पॉन्स को फिल्टर करके लाएंगे यहाँ से, जैसे ये है, ओके, सो क्वेरी सेट इज इक्वल टू फॉर्म कोड इंस्टेंस डॉट पी के, या फिर डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म कोड की जगह पे भी आप ऐसे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है, आपके पास में सारे क्वेरी सेट आ गए। नाउ डेटा इज इक्वल टू, जो कि आप डेटा यहाँ पे भेज रहे थे, आप यहाँ पे जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें भेज रहे थे ना, इसमें अब आपको ये करना पड़ेगा बस, डेटा कोड आ गया, इंस्टेंस बैकग्राउंड कलर भेज सकते हो, क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाकर के रिस्पॉन्सेज, एंड रिस्पॉन्सेज के लिए आपके पास में ये रिस्पॉन्सेज सीरियलाइजर है, उसके बाद में आप यहाँ पे क्वेरी सेट पास कर सकते हो एंड मैनी इक्वल टू टू लिख सकते हो, एंड ये डेटा आप यहाँ से इसमें रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, फॉर्म रिस्पॉन्स सीरियलाइजर को इम्पोर्ट करो यहाँ पे, ठीक है, इसको कट करो, अब गेट करो, एक सेकेंड, फॉर्म ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, डेटा कहाँ पे इशू आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ये मैनी नहीं लगेगा, एक ही जाएगा आपका, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा फंडामेंटल सही हो गया, मतलब यहाँ पे आप फॉर्म के ये चीज़ को हटा सकते हो, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे पास में डेटा आ रहा है तो ये रिडंडेंट हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, तो अपगेट करोगे तो ये पूरा सही आ रहा है, एंड रिस्पॉन्स भी हमारा सही है, 13 मिलीसेकंड में आ रहा है, दैट इज़ गुड, ठीक है। पहला रिस्पॉन्स ये आया आपका, रिस्पॉन्स कोड आ गया आपका, रिस्पॉन्डर ईमेल, आंसर्स आपके ये पड़े हुए हैं। अगर मैं जा करके एक और रिस्पॉन्स सबमिट करता हूँ, जस्ट लाइक आंसर आईडी यहाँ पर डाल दूंगा 2, कुछ भी डाल सकते हो यार, सबमिट करूँगा, दोबारा जाऊँगा, गेट करूँगा, तो यहाँ पे आपको 2 रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, पहला ये रिस्पॉन्स हो गया, दूसरा आपका ये रिस्पॉन्स हो गया, तो जितने भी रिस्पॉन्सेज आपके ऐड होते चले जाएंगे ये सब आ जाएंगे। तो हमारा बेसिक सा फंडामेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा तैयार हो चुका है। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग दिस API, तो रिएक्ट में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।